नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मेरे चैनल पर स्वागत है। किन्नौर में समय समय पर अनेक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों, मेलों एवं त्योहारों का आयोजन किया जाता है। किन्नौर में मनाए जाने वाले इन मेलों एवं त्योहारों का अपना एक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्व होता है। इन मेलों एवं त्योहारों को किन्नौर के लोग प्राचीन समय से ही मनाते आ रहे हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को इसी कड़ी में किन्नौर के ठंगी गांव में मनाए जा रहे पारंपरिक रंग और रमचिन मेले को अपने व्लॉग के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ठंगी गांव के ग्रामवासी इस पारंपरिक रंग और रमचिन मेले को मनाते हैं। ठंगी वासी इस त्यौहार को छोटा फलेज भी कहते हैं। तो चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए आप सब लोग भी मेरे साथ ठंगी गांव में चल रहे रंग और रमचिन मेले। मैं बलराज बोरस और ठंगी मेट। हमारे गांव में रंग रमचिन एक त्यौहार होता है, छोटा फलेज कहते हैं इसे। 10 वर्षों से पहले हम इस पर्व करते हैं। फिर हमारे दो महिलाएं दो पुरुष फूल के लिए जाते हैं, पहले उनको बजा के गांव से मंदिर तक पहुंचा के पूजा करते हैं। उनके पश्चात घर के जो मर्द होते हैं वो भी दिन को शाम के टाइम 4-5 बजे इकट्ठे होकर फिर ऊपर आते हैं। सर्वप्रथम ऊपर संतम थे संतम पहुँचने पर हमारे वहाँ रिवाज है, ठाकुर लगता है, भोजन चाय पानी खान पान से पूरी रात वहाँ मेला लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपना रिवाज रीति रिवाज निभाते हैं। उसके पश्चात दूसरे दिन भी हमारा खाना पीना होता है। फिर भी फूल वाले जो फूल में जाते हैं, महिलाएं हमें टोपी पर फूल देते हैं, जो हमारे पाऊ बड़े होता है ये, और जो हमारे वो लड़के होते हैं वो रोंगल जाफरिंग और रोस्कर आदि ला के हमारे को देते हैं। वहाँ पर सारा कार्यक्रम करने के पश्चात हम शाम के टाइम फिर उतरते हैं गांव के लिए हम उतरते हैं और नीचे से हम नाचते मंदिर तक आते हैं। वहाँ पर देवता जी रफ शंकर जी हमारे स्वागत में निकले होते हैं। हमारे देवता जी के लिए भंडार लाते हैं, लोग चले जाते हैं। Thank you.
Mi ya han yo tan